दिस इज अवर थर्ड वीडियो लेक्चर ऑफ स्पेस मिशन चैप्टर राइट. सो वी हैव सीन इन द प्रीवियस लेक्चर दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स एंड व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी एंड हाउ इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ सैटेलाइट राइट एंड हाउ इट इज डिपेंडेंट ऑन हाइट ऑफ द ऑर्बिट राइट एच. ओके सो ऑन द बेसिस ऑफ हाइट ऑर्बिट्स आर डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स. हाउ मेनी टाइप्स? थ्री टाइप्स. फर्स्ट वन इज हाई अर्थ ऑर्बिट्स, इसको हम बोलेंगे हीओ. हाई अर्थ ऑर्बिट्स एच ई ओ राइट, एच ई ओ हीओ राइट. सेकेंड इज मीडियम अर्थ ऑर्बिट, मीडियम मीओ मी ई ओ. और लो अर्थ ऑर्बिट्स राइट, इसको हम बोलेंगे लियो राइट. तो कितने हो गए? हीओ मीओ एंड लियो. हाई अर्थ ऑर्बिट्स, मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स एंड लो अर्थ ऑर्बिट्स राइट. सो इसकी एक स्पेसिफिक हाइट होती है जो एच है राइट. हाई अर्थ ऑर्बिट्स की देखो, ये अर्थ, ये छोड़ दो राइट, दिस इज अर्थ राइट. एंड इसके ऊपर थोड़ा सा रहेगा, इसको बोलेंगे हम लो अर्थ ऑर्बिट्स. इसके ऊपर मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स और इसके भी ऊपर हाई अर्थ ऑर्बिट्स राइट. हाई मीडियम लो, इसकी जो हाइट होगी ये कम होगी, इसकी उससे भी बड़ी होगी राइट. और इसकी जो थर्ड की हाइट है ये उससे भी बड़ी होगी राइट. और ये इसका रेडियस राइट. सो हाइट के ऊपर हमने तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया, हियो मियो एंड लियो. हाई मीडियम एंड लो राइट, सिंपल है. अब इसकी क्या है, बस हमको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है और एग्जाम में लिखने दो. आपका ऐसा क्वेश्चन क्वेश्चन आ सकता है कि लाइक व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स राइट एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट देम राइट, अबाउट इट राइट. सो यू जस्ट हैव टू राइट दिस नेम्स एंड यू जस्ट हैव टू रिमेंबर सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इट एंड यू जस्ट हैव टू राइट इट. ओके सी, यहाँ पे दिया हुआ है हाइट फ्रॉम द अर्थ सर्फेस इज ग्रेटर देन, इस किसका साइन है? ग्रेटर देन का, आप सबको पता होगा राइट. दिस इज ग्रेटर देन 35,780 किलोमीटर. क्या बोला है? उसकी हाइट कितनी होती है? 75,780 किलोमीटर. ठीक है, सॉरी 35,780 किलोमीटर से ज़्यादा अगर हाइट होगी. एच, एच की वैल्यू कितनी? किलोमीटर. देखो ये मीटर, मीटर नहीं है किलोमीटर है. मतलब 35,780, इसको बोलेंगे हम हियो किलोमीटर्स राइट. ये हो गया हमारा हियो, हाई अर्थ ऑर्बिट्स राइट. सो इसका पढ़ते चलो. इफ द हाइट ऑफ द सैटेलाइट्स ऑर्बिट अबव द अर्थ सरफेस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब, ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब कि 35,780 के इक्वल और उससे ज्यादा राइट. 35,780 किलोमीटर द ऑर्बिट इज कॉल्ड हाई अर्थ ऑर्बिट. ओके, इसका डेफिनेशन हो गया यहां से यहां तक. इसको क्या करना है, याद रखना है. इफ द सैटेलाइट्स ऑर्बिट हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35,780 किलोमीटर. ओके, उसको बोलेंगे हाई अर्थ ऑर्बिट. एज वी विल सी इन द नेक्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल में हमको क्या मिलेगा, अगर सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट 35,780 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस विल टेक अराउंड 24 आवर्स टू कम्प्लीट वन रिवॉल्यूशन. मतलब 24 आवर और किसको लगते हैं वन रिवॉल्यूशन कम्प्लीट करने में? एक दिन कितने का होता है, कितने आवर्स का होता है? इट इज 24 आवर्स का राइट, इट इज 24 आवर्स. तो इट इज एग्जैक्टली द सेम टाइम द अर्थ इज टेकिंग टू रिवॉल्व इट्स सेल्फ एंड अराउंड द रिवॉल्व इट्स सेल्फ राइट. खुद के रिवॉल्व घूमने में अर्थ को कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स. और सन के अराउंड घूमने में कितना टाइम लगता है? 365 डेज. कितना लगता है? 365 डेज. मतलब 365 × 24 आवर्स, इतना आवर्स उसको लगता है सन के अराउंड घूमने में राइट. और खुद के अराउंड घूमने में कितना टाइम लगता है उसको? एक दिन, मतलब 24 आवर्स. और इस सैटेलाइट को भी जो कि 35,780 किलोमीटर के ऊपर है, उसकी हाइट पे है, किसको कितना टाइम लगेगा? नियर अबाउट 24 आवर्स, मतलब एक दिन. समझे? मतलब ये पैरेलल है किसके? अर्थ को. इससे समझ में आता है. वी नो दैट द अर्थ ऑल्सो टेक्स ऑलमोस्ट 24 आवर्स फॉर वन रिवॉल्यूशन, करेक्ट? इफ द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट
पैरेलल टू द इक्वेटर द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन फॉर द अर्थ अराउंड इट्स सेल्फ एंड दैट ऑफ द सैटेलाइट टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ बीइंग द सेम। क्या बोल रहा है ये, इसको बोलते हैं, ये है अर्थ, राइट, दिस इज अर्थ। इसको बोलेंगे हम पोल, इसको बोलेंगे हम इक्वेटर, राइट, इसको क्या बोलेंगे हम, इक्वेटर, राइट। अगर इसका पैरेलल पे हमने ये इक्वेटर जो होता है, अब इसकी डायग्राम निकालो, ये इक्वेटर जैसा ही अगर हमारा ऑर्बिट है, राइट, इसके पैरेलल, मतलब ये हो गया अर्थ का इक्वेटर और इसका जो ऑर्बिट है सैटेलाइट ऐसा घूम रहा है, ये हो गया अर्थ, ये हो गया इसका इक्वेटर, राइट, इसके अराउंड अगर घूम रहा है इसके पैरेलल, तो इसके पैरेलल अगर घूम रहा है तो उसको क्या रहेगा, ये बोल रहा है कि सेम टाइम लगता है 24 आवर्स। कितना टाइम लगता है, सेम टाइम लगता है, ओके, क्योंकि ये हाइट बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। इफ यू आर डिक्रीज, इफ यू आर इंक्रीजिंग द हाइट, वेलोसिटी विल बी डिक्रीज, दैट्स वाई इतने हाइट पे आपको 24 आवर्स की स्पीड मिलेगी, ठीक है, एक एक दिन लगेगा उसको एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में, किसका, अर्थ का। तो ये क्या बोल रहा है, अर्थ को खुद के राउंड घूमने के लिए 24 आवर्स लगते हैं और सैटेलाइट को अर्थ के राउंड घूमने के लिए भी 24 आवर लगेंगे नियर अबाउट, ठीक है, नियर अबाउट मतलब थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, एक दो घंटे का फर्क हो सकता है, लेकिन 24 आवर्स तक, आवर्स तक लग सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि आप सोचो, आप अगर इस पॉइंट पे हो अर्थ के, राइट, इक्वेटर पे हो, और ये सैटेलाइट भी ऐसा है, राइट, तो ये घूम रहा है और आप भी घूम रहे हो, लेकिन आपको, आप स्टेशनरी लोगे क्योंकि आपका जो स्पीड है इसके स्पीड से मैच होगा, तो आपको ये जो सैटेलाइट है ये स्टेशनरी लगेगा, अगर अब यहाँ पे हो रही है, सैटेलाइट भी यहाँ पर है, राइट, तो इस पोजीशन से ये सैटेलाइट स्टेशनरी लगेगा क्योंकि आप दोनों सेम स्पीड से घूम रहे हो, राइट। सो जो भी चीज़ आपके सेम स्पीड से, तो आपको ऐसा लगता है कि वो स्टेशनरी है, वो ऐसी लगती है कि आपको घूम रहे ही करके, नहीं, आप करके देखना, सेम स्पीड से दो लोग जा रहे तो आपको क्या लगेंगे, स्टेशनरी लगेंगे, मतलब एक ही जगह पे है ना, उसको बोलते हैं रिलेटिव, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन है एक मेक के ऊपर से, ठीक है। यहाँ पे उसका एग्जांपल भी दिया है, फॉर अ पैसेंजर इन वन व्हीकल अनदर व्हीकल मूविंग पैरेलल टू हिम विथ इक्वल वेलोसिटी अपीयर्स टू बी स्टेशनरी। क्या बोल रहा है, एक पैसेंजर है, पैसेंजर मतलब प्रवासी, राइट, एक पैसेंजर है, दो पैसेंजर जा रहे हैं दो अलग अलग व्हीकल्स में, एक इसमें एक इसमें, यहाँ पे दोनों है, राइट, दोनों की वेलोसिटी सेम है, 40 किलोमीटर पर आवर, है ना, दोनों की वेलोसिटी सेम है, इसको ये स्टेशनरी लगेगा, इसको ये स्टेशनरी लगेगा, क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं और सेम पोजीशन पे बैठे हैं, ठीक है। वैसा ही सैटेलाइट का होता है, अगर अर्थ की एक पोजीशन पे आप देखोगे तो वो सैटेलाइट जो है वो आपको स्टेशनरी लगेगा। हाइट याद रखना है आपको 35,700, बाकी का आप याद रख सकते हो, ठीक है। दिस इज वॉट हैपन्स हियर ऑल्सो, किधर, सैटेलाइट के केस में भी यही होता है। दीज सैटेलाइट्स आर देयरफॉर कॉल्ड जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट, जो हमने देखा था ना, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट किसको बोलते हो, GSLV किसको बोलते हैं, जो कि हमारे सिंक्रोनस मतलब हमारे टाइम को सिंक्रोनाइज करना, सिंक्रोनाइज मतलब मिलाना, ठीक है, टाइम के सिंक्रोनस चलना, उसको बोलेंगे हम जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट, ओके। सिंस दीज सैटेलाइट्स आर स्टेशनरी विथ रेफरेंस टू अर्थ, ये हमको स्टेशनरी लगती है, हमको इस, हम लोग घूम रहे हैं अभी, देखो सिंपल भाषा में बोलता हूँ, आप अर्थ पे हो, अर्थ घूम रही है मतलब आप घूम रहे हो, लेकिन हमको समझता है क्या कि हम घूम रहे हैं, नहीं समझता है, बिकॉज अवर स्पीड इज सेम एज अर्थ स्पीड। उसके दूसरे भी कारण है, अर्थ की स्पीड से हमारी स्पीड क्या है, सेम है, इसलिए हमको, हमको हम स्टेशनरी लगते हैं, लेकिन हम भी घूम रहे हैं और ग्रेविटी की वजह से हम चिपके हुए हैं, सिंपल भाषा में अर्थ को, राइट, ग्रेविटी नहीं होती तो हम ऊपर उड़ते रहते, राइट, लेकिन ग्रेविटी है, हम चिपके हुए हैं, राइट, अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ओके। तो इसलिए स्टेशनरी लगेगा, दे कैन ऑब्जर्व स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ अर्थ, देखो ये जियोसिंक्रोनस है मतलब एक ही जगह पे रहेगा, तो एक ही पोर्शन को ये क्या करता है, ऑब्जर्व करता है एक ही जगह पे, है ना, ऑफ द अर्थ, ये घूमते नहीं रहता स्पीड में कंटिन्यूसली, है ना, देयरफॉर दे आर यूज इन एप्लीकेशन लाइक मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी मतलब जो कि हमको वेदर सैटेलाइट होते हैं, राइट, एंड फॉर कैरिंग सिग्नल्स फॉर टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, है ना, सिग्नल, टेलीफोन का सिग्नल, टेलीविजन का और रेडियो का सिग्नल निकालने के लिए ये हम इसका यूज़
कर सकते हैं। तो इसमें दो तीन चीज़ें याद रखनी है। इसकी हाइट क्या होती है, इक्वल टू 35,780, ग्रेटर देन, राइट, ग्रेटर देन और इक्वल टू, राइट। इसको हम हाई ऑर्बिट्स बोलते हैं, हाई अर्थ ऑर्बिट ह्यू बोलते हैं, राइट, है ना। वो स्टेशनरी होता है ना, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होता है। ये ऐसी ऐसी चीज़ें आपको याद रखनी होगी। और कितना टाइम लेता है, इक्वेटर को पैरेलल लेता है, नियर अबाउट 24 आवर्स लेता है ना, कंप्लीट होने में, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाई अर्थ ऑर्बिट्स। सेकंड, मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स, मियो, और इसकी हाइट कितनी है, हाइट अबाउट द अर्थ सर्फेस इज 2,000 किलोमीटर टू 35,780 किलोमीटर्स, है ना। मतलब 2,000 किलोमीटर से ऊपर और यहाँ तक, जो कि इसका लिमिट है 35,700 किलोमीटर के लिमिट तक, अगर वो सैटेलाइट को छोड़ा गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। इसका पढ़ते, इफ द हाइट ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट अबव द अर्थ सरफेस इज इन बिटवीन 2,000 किलोमीटर टू 35,780 किलोमीटर, द ऑर्बिट इज कॉल्ड मीडियम अर्थ ऑर्बिट। उसको क्या बोलेंगे, मीडियम अर्थ ऑर्बिट बोलेंगे, ठीक है। सेकंड, द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट अबव द अर्थ इक्वेटर, ओके, दीज आर देयर फॉर नॉट यूजफुल इन द स्टडी ऑफ पोलर रीजन। पोलर का जो पोल मैंने क्या बोला था, ये यहाँ पे नहीं रही, ये जियो स्टेशनरी होते हैं, राइट, ये रीजन में इक्वेटर को ही दी जाती है, इसलिए इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं, जो कि ऊपर का है। दीज आर देयर फॉर नॉट यूजफुल इन स्टडी ऑफ पोलर रीजन, जो कि ये रीजन होता है, उसको हम, इसके लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते पोलर रीजन के लिए, राइट। फॉर दिस पर्पज, पोलर रीजन का स्टडी करने के लिए, इलेप्टिकल मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स पासिंग ओवर द पोलर रीजन आर यूज। मतलब अगर आपको पोल को स्टडी करना है, राइट, ये आपका अर्थ हो गया और ये पोल को आपको स्टडी करना है, तो आपको ऐसे ऑर्बिट्स लगेंगे, ये ऐसा घूमेगा वो, मतलब आप यहाँ पे पोल को भी ऐसा सैटेलाइट घूमेगा और यहाँ पे आप पोल को भी यहाँ पे ऐसे स्टडी कर सकते हो, ठीक है। फॉर दिस पर्पज इलेप्टिकल मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स पासिंग ओवर द पोलर रीजन आर यूज, जो कि मैंने अभी बताया। दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड पोलर ऑर्बिट्स, उसको क्या बोलते हैं, पोलर ऑर्बिट, जो कि पोलर रीजन की स्टडी करते हैं, ठीक है। और उसका पाथ कैसा होता है, इलेप्टिकल मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स, कैसा होता है, इलेप्टिकल मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स। इन दिस ऑर्बिट्स द सैटेलाइट्स कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इन 2 to 24 आवर्स। कितना टाइम लगता है, 2 आवर्स से 24 आवर्स में भी वो कंप्लीट कर सकता है, कुछ भी टाइम हो सकता है इसी बीच में। हाई ऑर्बिट कितना लेता था, 24 आवर्स नियर अबाउट, राइट, हाई ऑर्बिट। मीडियम आवर 2 to 24 आवर, मतलब 2 घंटे में ही वो पूरा खत्म कर देगा पृथ्वी को। अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं, ये क्या करेगा, दिन में 2 आवर्स अगर उसको लगते तो 12 बार चक्कर काटेगा पृथ्वी के, ठीक है। अगर 24 लगते तो 1 बार काटेगा, राइट, लाइक दिस। अगर 12 आवर लेता है तो कितना कितना 2 बार चक्कर काटेगा, लाइक दिस, ओके। आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर 6 आवर्स ले रहा तो कितने बार होगा वो, 4 बार, है ना। ऐसे ही 3 आवर्स होगा तो 8 टाइम्स, लाइक दिस, ओके। सम ऑफ दिस सैटेलाइट्स रिवॉल्व इन द सर्कुलर ऑर्बिट्स एट अ हाइट ऑफ अराउंड 20,200 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सर्फेस। ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट्स रिवॉल्व इन अ सच ऑर्बिट, ठीक है। सम ऑफ दिस आर सैटेलाइट्स रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट्स 20,200 की हाइट पे। ये कैसे ऑर्बिट्स में रखते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स में, ठीक है। अब हम देखते हैं लो अर्थ ऑर्बिट्स, ठीक है। हाइट अबव द अर्थ सर्फेस कितना है, 180 किलोमीटर टू 2,000 किलोमीटर। देखो ये पूरा एक सेट लगाया हुआ है, ऊपर कितना था 35,780, दूसरा कितना था 2,000 to 35,780, उसके बाद कितना है 180 किलोमीटर टू 2,000 किलोमीटर। देखो ये पूरा एक सेट है, आप याद इसको मस्त रख सकते हो आराम से, ठीक है। लो अर्थ ऑर्बिट, ओके। इफ द हाइट ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट अबव द अर्थ सरफेस इज इन बिटवीन 180 किलोमीटर एंड 2,000 किलोमीटर, क्या बोला है, इफ द हाइट ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट अबव द अर्थ सर्फेस इज इन बिटवीन 180 किलोमीटर एंड 2,000 किलोमीटर, द ऑर्बिट आर कॉल्ड लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। सिंपल डिफिनेशन,
अगर ऑर्बिट की हाइट कितनी है, 180 किलोमीटर और 2000 किलोमीटर के बीच है, तो उसको क्या बोलेंगे, लो अर्थ ऑर्बिट। द सैटेलाइट्स यूज फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स एंड एटमोस्फेरिक स्टडीज रिवॉल्व इन अ लोअर ऑर्बिट। इसको किस लिए यूज़ करते हैं हम, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, साइंटिफिक जो साइंस के एक्सपेरिमेंट होते हैं उसके लिए, और एटमोस्फेरिक स्टडी मतलब हमारा जो एटमोस्फियर है राइट, उसका स्टडी करने के लिए। डिपेंडिंग ऑन द हाइट ऑफ देयर ऑर्बिट्स दे कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इन अराउंड 90 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटे में, ठीक है। 1.5 आवर दे विल टेक टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, इतना फास्ट घूमते हैं, समझ रहे हो, इतना फास्ट घूमते वो अर्थ के अराउंड, ठीक है, क्योंकि इनकी हाइट कम है, यहाँ पे बोला है। अगर उनकी हाइट कम है तो वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा, दैट्स वाई दे आर टेकिंग लेस टाइम टू कंप्लीट, बिकॉज उनका स्पीड ज़्यादा रहेगा क्योंकि उनकी हाइट कम है, और जो हमारा हाई ऑर्बिट था उसकी हाइट ज़्यादा थी इसलिए उसकी स्पीड कम थी। जब हम हाइट कम करेंगे तो हमारी स्पीड ज़्यादा रहेगी, समझे, लाइक दिस, इसीलिए इसकी स्पीड ज़्यादा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हबल टेलीस्कोप आर ऑल्सो रिवॉल्व इन लो अर्थ ऑर्बिट, समझ रहे हो। जो हमारा ISS है, जहाँ पे हमारे साइंटिस्ट जाके, सुनीता विलियम्स जाके आई है, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और एक हबल टेलीस्कोप होता है उसका यूज़ करते हैं काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, वो भी इस लो अर्थ ऑर्बिट में घूमता है 180 किलोमीटर्स ओनली, ठीक है ना। वहाँ से अर्थ मस्त गोला दिखता है, वहाँ से फोटो निकालने का, राइट, लाइक दिस। और ये हो गया इसका डायग्राम ऐसा, ठीक है, ये हो गया इसका डायग्राम। देखो ये हो गया मियो, मियो मतलब ये मैंने पोलर बताया था, ये हो गया इक्वेटर, ये हियो और लियो, हाई अर्थ, मीडियम अर्थ और लो अर्थ। ये जो न्यूमेरिकल्स हैं हम ये नेक्स्ट 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 वीडियो में देखेंगे, उसके पहले हम क्या करते हैं इसको कंप्लीट कर देते हैं, ये जो लॉन्च वेकर अभी थेरी थेरी वाला पार्ट कंप्लीट कर देते हैं पूरा, उसके बाद वी विल सी दिस टू न्यूमेरिकल्स। ओके, दीज आर सिमिलर टू अवर फर्स्ट चैप्टर न्यूमेरिकल, बट स्टिल इट विल बी अ प्रैक्टिस फॉर यू। बिफोर दैट आई विल गिव यू होमवर्क टू स्टडी फ्रॉम हाउ टू कैलकुलेट द स्क्वेयर रूट ऑफ एनी बिगर नंबर। ओके, आई होप यू नो दैट, ओके, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट बिकॉज इट विल टेक मोर टाइम। आई एम नॉट गोइंग टू हाउ टू कैलकुलेट द स्क्वेयर रूट ऑफ एनी नंबर, राइट। सो अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो हमने GSLV और PSLV देखा था, राइट। इसका मस्त डायग्राम आप निकाल सकते हो, कुछ नहीं निकालना है, कॉलम निकालना है, उसके स्टेजेस आपको नाम रखने, ये नाम भी काफ़ी सिंपल है, ये आप निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। GSLV किसका 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 स्ट्रक्चर है, ये है PSLV का, पोलर, है ना। यहाँ पे हमने इसका ये भी देखा था, क्या था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, राइट, ये था, है ना, GSLV, और ये किसका है, PSLV का, ठीक है। मतलब पोलर रीजन में सैटेलाइट को पुट करने के लिए हम इस व्हीकल को यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो इसको पढ़ते हैं अभी, इसका डायग्राम देखो पहले क्या है। देखो सबसे नीचे क्या दिया हुआ है, इंजिन यूजिंग सॉलिड फ्यूल, फ्यूल मतलब ईंधन, जो हमारा फ्यूल होता है पेट्रोल डीजल, इसका अलग से होता है, राइट। और वो कौन सा यूज़ करते हैं, सॉरी आई डोंट हैव एनी आइडिया, दैट इज वी कैन सर्च। ओके, इंजन यूजिंग सॉलिड फ्यूल, राइट, विच प्रोवाइड्स द इनिशियल थ्रस्ट। इनिशियल थ्रस्ट मतलब आपने वो एस्केप वेलोसिटी देखी थी जिसमें से आग निकलती है, राइट। इनिशियल थ्रस्ट मतलब इस रॉकेट को पृथ्वी के बाहर बाहर भेजने के लिए एक इनिशियल वेलोसिटी लगती है, उसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। और उसको एस्केप वेलोसिटी देने के लिए, यहाँ पे इनिशियल थ्रस्ट देने के लिए बहुत सारे रॉकेट, छोटे छोटे रॉकेट लगाए जाते हैं, और उसके अंदर सॉलिड फ्यूल होता है जो कि बर्स्ट होता है और नीचे से एक आग जैसा निकलता है जो कि उसको एक एकदम से ज़्यादा स्पीड देती है। उसकी स्पीड कितनी होती है, 11.8 किलोमीटर पर सेकंड, नॉट मिनट और आवर, पर सेकंड। एक सेकंड में वो 12 किलोमीटर जाएगा, एक सेकंड में एकदम 12, दिखेगा भी नहीं इतना स्पीड से, राइट, लेकिन हमको दिखता है क्योंकि हम दूर होते हैं और वो इतना जोर से जाता है, ठीक है। इंजन यूजिंग सॉलिड फ्यूल विच प्रोवाइड्स द इनिशियल थ्रस्ट, ओके, द इनिशियल थ्रस्ट। उसके बाद क्या है, देखो ये वाला जो
इसको बोलेंगे हम फर्स्ट स्टेज यूजिंग सॉलिड फ्यूल, पहली स्टेज होती है ना, इसको बोलेंगे फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज यूजिंग लिक्विड फ्यूल, जो कि लाल कलर में, इसको बोलेंगे लिक्विड। थर्ड कौन सी है? थर्ड यूजिंग सॉलिड, फोर्थ लिक्विड। देखो सिंपल नाम है ना, पहला वाला क्या, इनिशियल थ्रस्ट देने के लिए सॉलिड फ्यूल, फिर उसके बाद फर्स्ट सॉलिड फ्यूल, देन लिक्विड, सॉलिड लिक्विड। कितने स्टेज है? चार स्टेज है, एक दो तीन चार, और नीचे का इनिशियल वाला, ठीक है। इनिशियल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और उसके बाद है प्लेस फॉर सैटेलाइट। प्लेस फॉर सैटेलाइट, यहाँ पे सैटेलाइट रखा जाता है, और ये सारा का सारा नीचे नीचे डिटैच हो जाता है, डिटैच पूरा का पूरा। जैसे ऊपर जाएगा ये डिटैच होगा एक एक स्टेज में, ये पहले डिटैच होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद सिर्फ ऊपर क्या जाएगा, ये ऊपर का, ठीक है, ऊपर क्या जाएगा, बस ये वाला। और इसको बनाने में काफ़ी पैसा, काफ़ी कॉस्ट लगता है, ठीक है। अब देखो, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आर यूज टू प्लेस द सैटेलाइट्स इन देयर स्पेसिफिक ऑर्बिट्स। ओके, सैटेलाइट्स को उनके स्पेसिफिक ऑर्बिट में डालने के लिए, रखने के लिए, व्हाट वी आर यूजिंग, वी आर यूजिंग सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, PSLV, GSLV। ये किसका स्ट्रक्चर है? PSLV का। द फंक्शनिंग ऑफ द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज बेस्ड ऑन द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या था? एवरी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है, ये उसका लॉ था, राइट। द फंक्शनिंग ऑफ द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज बेस्ड ऑन द न्यूटन थर्ड लॉ। ये आपका एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लॉन्च व्हीकल यूज स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्यूल, स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्यूल इसमें यूज हो जाता है, पेट्रोल डीजल आपको पता है, इसमें क्या होता है वो देखना पड़ेगा, राइट। द गैस प्रोड्यूस ड्यू टू कंबशन ऑफ द फ्यूल, कंबशन मतलब जलना, राइट, फ्यूल के जलने की वजह से जो गैस प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू इट्स हाई टेम्परेचर एंड इट्स एक्सपेल, एक्सपेल मतलब सामने जाना, राइट, फोर्सफुली, एक्सपेल मतलब सामने जाना, फोर्सफुली सामने जाता है, थ्रू द नोजल एट रियर साइड ऑफ द लॉन्च व्हीकल, यहाँ से नीचे जाता है, राइट, कंबशन ऑफ फ्यूल की वजह से, ठीक है। द गैस प्रोड्यूस वो नीचे जाता है ना, इट ड्राइव्स द व्हीकल टू द टू व्हीकल हाई इन टू द स्पेस। इसकी वजह से व्हीकल क्या होगा, हाई जाएगा, किधर, स्पेस में, राइट। द स्ट्रक्चर ऑफ द लॉन्च व्हीकल इज डिसाइडेड बाय द वेट ऑफ द सैटेलाइट एंड द टाइप ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट एंड द टाइप ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस किस बेसिस पे होता है, कि वेट क्या है सैटेलाइट का, मास नहीं, वेट, वेट क्या है सैटेलाइट का, एंड द टाइप ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट में इसको छोड़ना है, राइट। अगर हाई ऑर्बिट में जाना है तो हमको फ्यूल ज़्यादा लगेगा, अगर लोअर ऑर्बिट में जाना है तो हमको फ्यूल कम लगेगा, लाइक दैट। ओके, द फ्यूल ऑफ द व्हीकल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दिस फैक्टर, जो भी मैं बोल रहा हूँ, सिंपल है ना। अगर आपको आपको 200 किलोमीटर जाना है तो आपको पेट्रोल ज़्यादा लगेगा, आपको 100 किलोमीटर जाना उससे कम लगेगा, आपको 50 किलोमीटर जाना आपको पेट्रोल पेट्रोल या डीजल कम लगेगा, लाइक दिस, है ना। तो लो लो ऑर्बिट जो होते हैं उसके लिए पेट्रोल आपको या फ्यूल कम लगेगा, मीडियम के लिए उससे ज़्यादा, हाई के लिए तो बहुत लग जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। द फ्यूल ऑफ द व्हीकल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दिस फैक्टर्स। द फ्यूल फॉर्म्स अ मेजर पोर्शन ऑफ द टोटल वेट ऑफ द लॉन्च व्हीकल। जो फ्यूल होता है, देखो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा फ्यूल ही है, यहाँ से यहाँ तक पूरा फ्यूल का ही बात हो रहा है। यहाँ पे हम बस छोटी सी जगह पे सैटेलाइट रखते हैं, अदरवाइज ये पूरा हमको जो फ्यूल लगता है वही ज्यादा है ना। दस द व्हीकल हैज टू कैरी अ लार्ज वेट ऑफ द फ्यूल विथ इट, है ना, उसको क्या है, लार्ज वेट चाहिए फ्यूल का, है ना। इसीलिए क्या करते हैं, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम लॉन्च व्हीकल्स विल विथ मोर देन वन स्टेज आर यूज विथ। अगर इतना ज़्यादा वेट हम ऊपर लेके जाएंगे तो अच्छा नहीं है, राइट, इसलिए क्या इसको कर देंगे डिटैच स्टेज बाय स्टेज। ये वाला स्टेज खत्म होगा तो इसको क्या कर देंगे, तोड़ डालेंगे इसमें से, ठीक है, डिटैच कर देंगे, इट विल बी डिटैच फ्रॉम इट। इसका फ्यूल खत्म होने के बाद इसको डिटैच कर देंगे, इसका होने के बाद इसको, इसका होने के बाद इसको डिटैच, इसका होने के बाद इसको भी डिटैच कर देंगे, लाइक दिस। ओके, बचेगा क्या, ओनली दिस पोर्शन, और इसका वेट कितना है, काफ़ी स्मॉल है, राइट। तो इसका होने के बाद ये पूरा नीचे आएगा तो इसको काफी कम वेट लगेगा ना ऊपर ले जाने के लिए, लाइक दिस, वो वेलोसिटी बढ़ेगी। दस द व्हीकल हैज टू कैरी अ लार्ज वेट, ये हो गया, राइट। ड्यू टू दिस द वेट ऑफ द व्हीकल कैन बी रिड्यूस स्टेप बाय स्टेप। इसका वेट क्या होगा, रिड्यूस होगा ना स्टेप बाय स्टेप आफ्टर इट्स लॉन्चिंग। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द लॉन्च व्हीकल हैविंग टू स्टेजेस। फॉर लॉन्चिंग द व्हीकल द फ्यूल एंड द इंजन इन द फर्स्ट स्टेज आर यूज।
मतलब इसको लॉन्च करने के लिए ये दो यूज़ हो गए है ना, तो इसका अभी हमको कुछ काम है क्या? नहीं, इसको क्या कर दें हम, फिर इसको डिटैच कर देंगे। और ये कहाँ पे गिरेगा? जहाँ पे कुछ लोग रहते नहीं है वहाँ पे गिरेगा, या फिर समंदर में, यानी कि सी में। इट विल बी डिपॉजिटेड इन द सी और द प्लेस वेयर देयर इज नो पॉपुलेशन, राइट? ओके, दिस इम्पार्ट्स अ स्पेसिफिक वेलोसिटी टू द व्हीकल एंड टेक्स इट टू द सर्टन हाइट। क्या करेंगे? सर्टन हाइट में वंस द फ्यूल इन द फर्स्ट स्टेज इज एग्जॉस्टेड, जो भी मैंने बोला पहले स्टेज में जो फ्यूल है वो एग्जॉस्ट हो गया, द एम्प्टी फ्यूल टैंक एंड द इंजिन आर डिटैच फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द व्हीकल, जो कि मैंने डिटैच मतलब टूट जाना है, एंड फॉल आइदर इन टू अ सी और एन अनपॉपुलेट लैंड। वही है जो मैंने बोला, सी में गिरेगा या फिर जहाँ पे कोई भी पॉपुलेशन नहीं है वहाँ पे गिरेगा, राइट? एज द फ्यूल इन द फर्स्ट स्टेज इज एग्जॉस्टेड, द फ्यूल इन द सेकंड स्टेज इज इग्नाइटेड। जैसे ही फर्स्ट स्टेज का फ्यूल खत्म होता है, तो सेकंड स्टेज का फ्यूल क्या होना, बर्न होना स्टार्ट होगा, राइट? और ये नीचे गिर जाएगा, ठीक है? जैसे ही सेकंड का फ्यूल खत्म होगा, थर्ड स्टार्ट होगा, सेकंड गिर जाएगा। थर्ड का खत्म होगा, फोर्थ स्टार्ट होगा, फोर्थ पूरा खत्म होने के बाद फोर्थ गिर जाएगा और ये तब तक ऊपर चला जाएगा, ठीक है? इग्नाइटेड। हाउएवर द व्हीकल नाउ कंटेन्स ओनली वन, दैट इज सेकंड स्टेज, द वेट नाउ बीन रिड्यूस। क्या होगा? वेट कम हो जाएगा, राइट? द व्हीकल कैन मूव विद हायर स्पीड। ऑलमोस्ट ऑल व्हीकल आर मेड ऑफ आइदर टू और मोर स्टेजेस। एज एन एग्जाम्पल, द स्ट्रक्चर ऑफ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV डेवलप बाई इसरो ऑफ इंडिया। ये किसने डेवलप किया है? इसरो ने, PSLV। और इसीलिए हम स्टेज का PSLV लॉन्च व्हीकल यूज करते हैं, जिसमें स्टेजेस होते हैं 1 2 3 4। और जिस स्टेज का पीरियड खत्म हो गया उसको हम क्या करते हैं? डिटैच कर देते हैं। वो कहाँ पे जाके गिरता है? सी या अनपॉपुलेट एरिया में, ठीक है? अब इस रॉकेट को बनाने के लिए द लॉन्च व्हीकल आर कॉस्टली। जो ये लॉन्च व्हीकल होते हैं ये काफ़ी कॉस्ट होते हैं, मतलब इसको ज़्यादा पैसा लगता है क्योंकि फ्यूल भी ज़्यादा लगता है। और हर बार बनाने से अच्छा, बिकॉज दे कैन बी यूज ओनली वंस, एक बार ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और दूसरे बार बनाने के लिए फिर से इसको बनाना पड़ेगा। इसका प्रॉब्लम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? USA हैज़ देयर फोर डेवलप्ड स्पेस शटल। उसको क्या बोलते हैं? स्पेस शटल, जो कि पृथ्वी पर सैटेलाइट को छोड़ने के बाद वापस आ जाता है। विच रिटर्न्स टू द अर्थ एक्सपेक्ट फॉर द फ्यूल टैंक कैन बी रीयूज इन अ मल्टीपल लॉन्चेस। मतलब ये जो स्पेस शटल है, ये जैसा का वैसा हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो फ्यूल टैंक दिख रहा है ना ऑरेंज कलर का, यहाँ पे ऑरेंज कलर का फ्यूल टैंक क्या होगा? जैसे ही इसका फ्यूल खत्म हो जाएगा, ये फ्यूल टैंक डिटैच नहीं होता, ये फ्यूल टैंक का पूरा फ्यूल खत्म हो जाएगा, ये पूरा डिटैच हो जाएगा और नीचे गिर जाएगा। और ये जो बचा है पूरा स्पेस शटल, ये पैराशूट के थ्रू नीचे आ जाएगा और ऑर्बिट में सैटेलाइट को छोड़ने के बाद ये नीचे आ जाएगा, ठीक है? अपने आप। इसलिए इसको आपको सिर्फ फ्यूल टैंक बनानी है, उसके बाद आपको ये पूरा का पूरा नहीं बनाना है। इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? स्पेस शटल, जो कि वापस आता है। स्पेस शटल और PSLV लॉन्च व्हीकल में क्या फ़र्क है? कि लॉन्च व्हीकल हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, और जो स्पेस शटल है हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो अर्थ पे रिटर्न आता है। इट विल कम बैक, राइट? ओनली फ्यूल टैंक विल बी डिटैच, उसमें स्टेजेस नहीं होते, राइट? स्टेजेस भी होते होंगे और डिचार्ज हो जाते, सिर्फ फ्यूल टैंक डिचार्ज हो जाती है, बाकी सब कुछ हम यूज़ कर सकते, ठीक है? और एक यहाँ पे मस्त चीज़ दी है, हम जो दिवाली में अभी रॉकेट यूज़ करते हैं, राइट, हम जो रॉकेट फोड़ते हैं वो भी सिमिलर कंसेप्ट है, राइट? यहाँ पे दिया हुआ है ऑलवेज रिमेम्बर में, आपको ये पढ़ना चाहिए आपकी यूज़ के लिए। यहाँ पे हम बोलते हैं द रॉकेट और टाइप ऑफ फायर क्रैकर यूज इन दिवाली इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ लॉन्चर। वो एक प्रकार का लॉन्चर ही है, लेकिन वो क्या है, छोटा सा, इसलिए हम उसमें कुछ लेके नहीं जा सकते। उसमें आप एक कुछ भी लगा के देखो, ऊपर लेके जाता है उसको। इन दिस रॉकेट द फ्यूल इज इग्नाइटेड यूजिंग द फ्यूज एंड द रॉकेट इज प्रोजेक्टेड इन टू स्काई जस्ट लाइक सैटेलाइट लॉन्चर, है ना? वैसा हम उसको, वो जो उसकी हम क्या बोलते हैं उसको, बात, राइट? उस बात को हम क्या करते हैं, या तो फिर अगरबत्ती लगाएंगे या फिर कुछ भी ये लगाते हैं और वो ऊपर जाता है, राइट? सिमिलरली इफ अ बलून इज ब्लोन एंड रिलीज विद हाई इट्स ओपन एंड, वो भी ऊपर जाता है। बलून को क्या करो, हवा भरो और उसका ओपन एंड करके ऐसा छोड़ दो, वो ऊपर जाता है, क्योंकि उसके पीछे जो था थ्रस्ट होता है। इसको क्या बोलते हैं? न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ। तो ये हो गया आपके लॉन्च व्हीकल के रिलेटेड। अब इसके बाद थोड़ा सा थ्योरी पार्ट बचा, और चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है? दिस इज अवर
थर्ड यूजर लेक्चर, वी विल सी फोर्थ वन. ओके, टेक केयर, बाय बाय.